देखिए इन्होंने क्या दिया, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, यानी कहने का मतलब ये गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी माइंड लगाएंगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। केवल मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, यानी गुना करना है और भाग देना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट है, हम बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 7 × 3/5 यानी 7 × 3/5। तो देखिए क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे 3 में, तो यहां देखिए 7 × 3 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5, ठीक है। अब देखिए 7 से गुना करते हैं 3 में, 7 × 3 से क्या मिला 21, डिवाइड बाय क्या मिल गया 5। अब 21 में 5 से भाग देंगे, तो देखिए भाग देके दिखाते हैं आपको, 5 × 4 से क्या मिल गया 20, 2 × 2 से कैंसिल, 1 बच गया रिमाइंडर यानी शेष। तो देखिए नीचे वाला क्या मिला 1, तो 1 नीचे है तो ये कहां जाएगा ऊपर। अब देखिए 5 इस साइड है तो ये आएगा नीचे, 4 ऊपर है तो ये आएगा यहां पर, ये हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, देखिए 4 × 1/3 यानी 4 × 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं, 4 है 4 लिखेंगे, इंटू 1 है 1, डिवाइड कितना है 3। अब देखिए 4 से यानी 4 से गुना करेंगे 1 में, तो 4 × 1 = 4 यानी 4 × 1 = 4 डिवाइड 3। अब 4 में 3 से भाग दे देंगे, देखिए 3 × 1 = क्या मिल गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो फाइनली आंसर कितना मिल गया, 1 नीचे है तो ये कहां जाएगा ऊपर, 3 इस साइड है तो ये आएगा नीचे, 1 ऊपर है तो ये आएगा इस साइड, ये हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिएगा। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं, तो देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 2 × 6/7 यानी 2 × 6/7, वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे 2 से 6 में, तो यहां लिखेंगे 2 × 6, डिवाइड नीचे कितना है 7। चलिए गुना करते हैं, 2 × 6 कितना मिल गया 12, 12/7। अब 12 में 7 से भाग देंगे, देखिए तो देखिए 7 × 7, अब 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5, ठीक है, तो ये कैंसिल कर लीजिए, फाइनली आंसर देखिए कितना मिल रहा है, 5 नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, 7 इस साइड है तो ये आएगा नीचे, 1 ऊपर है तो 1 आएगा यहां पे, ये हमारा फाइनली आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, देखिए 5 × 2/9 यानी 5 × 2/9। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 5 से गुना करेंगे 2 में, 5 × 2/9 नीचे कितना है 9। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 × 2 से क्या मिल गया 10/9। अब 10 में से 9 से भाग देंगे, तो देखिए 9 × 1 से क्या मिल गया 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, कैंसिल कीजिए, देखिए फाइनली आंसर कितना मिल गया, 1 नीचे है ये जाएगा ऊपर, 9 इस साइड है तो ये आएगा नीचे, 1 ऊपर है तो ये आएगा यहां पे, ये हमारा फाइनली आंसर है। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, देखिए फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 2/3 × 4 यानी 2/3 × 4, सेम वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 में, तो यहां लिखेंगे 2 × 4, नीचे कितना है 3, एडिटी लिखेंगे। अब देखिए 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 से क्या मिल गया 8, डिवाइड नीचे कितना है 3। अब भाग दे देंगे, देखिए 8 में 3 से भाग देंगे, 3 × 2 से क्या मिल गया 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा, तो कैंसिल कीजिए, देखिए फाइनली आंसर कितना मिला, 2 नीचे है तो ये जाएगा ऊपर, 3 साइड है तो ये आएगा नीचे, 2 ऊपर है तो ये आएगा यहां पे, ये हमारा फाइनली आंसर है। चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं, तो देखिए सिक्स पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 5/2 × 6 यानी 5/2 × 6। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 से गुणा करेंगे 6 में, तो यहां लिखेंगे 5 × 6, ठीक है, डिवाइड नीचे कितना है 2।
अब 5 से गुना करेंगे 6 में, तो 5 6 के कितना मिल गया 30 बट्टा 2। अब 30 में 2 से भाग देंगे, देखिए 2 1 जा क्या मिला 2, 3 में से 2 गया 1, 0 बचा उतार लीजिए, 2 5 से क्या मिल गया 10, कैंसिल। तो फाइनली आंसर कितना मिल गया 15, तो यहां लिख दीजिए 15। ठीक है, चलिए इसका 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट देखिए, 11 इंटू 4 अपॉन 7 यानी 11 गुना 4 बट्टा 7। चलिए सोल्व करते हैं, देखिए 11 इंटू 4 नीचे कितना है 7, अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 11 4 से क्या मिला 44, डिवाइड नीचे कितना हो गया 7। ठीक है, चलिए 44 में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 6 से क्या मिला 42, 4 4 से कैंसिल, नीचे कितना बच गया 2, यानी 4 में से 2 गया 2। चलिए तो फाइनल आंसर कितना मिल गया हमें, 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 7 इस साइड है तो ये आएगा नीचे, 6 ऊपर है तो 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। चलिए 8 पार्ट देखते हैं, 20 इंटू 4 अपॉन 5 यानी 20 गुना 4 बट्टा 5, तो 20 से गुना करेंगे 4 में, तो यहां लिखेंगे 20 इंटू 4 अपॉन 5। तो देखिए 24 से क्या मिला 80 यानी 80, नीचे कितना है 5, अब 80 में से 5 से भाग दीजिए, तो देखिए 5 एक नम 5, 8 में से 5 गया 3, 0 उतारिए, 5 छक्के 30, कैंसिल। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 16 यानी 16। चलिए इसका 9th पार्ट देखते हैं, तो देखिए 9th पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 13 इंटू 1 अपॉन 3 यानी 13 गुना 1 बट्टा 3, तो 13 से गुना करेंगे 1 में, तो यहां लिखिए 13 इंटू 1 डिवाइड 3। ठीक है, तो अब देखिए 13 1 जो क्या मिला 13, नीचे कितना है 3, अब 13 में 3 से भाग दीजिए, तो देखिए 3 4 जो क्या मिला 12, 1 1 से कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, देखिए 1 नीचे है तो ऊपर गया, 3 इस साइड है तो नीचे आया, 4 ऊपर है तो इस साइड आया, फाइनली आंसर कितना आ गया 4 1/3। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 15 इंटू 3 अपॉन 5 ठीक है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो देखिए 15 इंटू 3 डिवाइड 5, तो क्या मिलेगा 15 3 जो क्या मिला 45, नीचे कितना है 5। अब देखिए डिवाइड करते हैं 45 में से 5 से, 5 9 जो क्या मिल गया 45, कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 9 यानी 9। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।